तो चलते हैं सीधा रोड पर, आज घूमेंगे और अस्सलाम वालेकुम। बस यही गांव का नज़ारा है, देखिए और यहां से ये देखिए, और उसके बाद अभी पूरा सड़क है देखा जाए तो। काफी ज्यादा दिनों से बन रहा है। कितना दिन लगी भैया अभी? हाँ, एक महीना और लगी, और फिलहाल काम चल रहा है अभी। देखिए ये बिलाल मस्जिद है, ये देखिए। तो आइए, कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर, बात करेंगे। तो यहाँ पर भी भाई देखिए मौजूद हैं, और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? समद खान। अच्छा, समद खान। तो क्या कर रहे हैं अभी इस टाइम में अपने छोटेपुरा में? पढ़ रहे हैं अभी, मतलब नाइन्थ क्लास में। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर देखिए। शहबाज भाई भी हैं, और भी लोग हैं, अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई तो वैसे फेमस है भाई जीएसबी को लेकर। तो अब्दुल्ला भाई कैसे हो आप? बढ़िया है ना? शहबाज भाई आ जाओ यार, इधर बात क्यों रहे भाई? तो शहबाज भाई, हमको लगता था कि बहुत दिनों के बाद आप गांव पर। आपको बोला था वीडियो गांव की डालो। हाँ हाँ, सऊदी से। अच्छा, आप हमसे हाल चल लीजिए गांव का। तो सऊदी से ये कमेंट कर रहे थे, तो एक बार हमने वीडियो बना के डाला हुआ था। तो आज ये देखिए आए हुए हैं, तो मुलाकात भी इनसे हो गई, तो एक छोटी सी वीडियो हम बना लेंगे। तो बिक्कू भाई भी मौजूद। बिक्कू भाई, आप भी कहीं रहते थे क्या बाहर भी? मैं बेंगलोर में रहता था। मैं आपसे एक बार बात किया है, वो मैसेज किया था। अच्छा अच्छा, कि आप बोले थे ये मऊ से कोई गाड़ी मतलब डायरेक्टली बेंगलोर बन के चलने वाली। हाँ, चलने वाली, इसके लिए हम लोग बात किए हुए थे। तो अभी फिलहाल इस पर चल रहा है, चर्चा चल रहा है, देखो कब तक चलाने की बात। अगर ये गाड़ी अगर चालू हो जाएगी तो हम लोग के लिए बहुत मतलब सुविधाजनक हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग को गाड़ी पकड़ना पड़ता है, या तो गोरखपुर जाना पड़ता है, नहीं तो बनारस जाना पड़ता है। काफी दूर दूर से जाकर पकड़ने पर, जो कि जंक्शन है हमारे मऊ, हमारे यहाँ जंक्शन है, मगर फिर भी नहीं चल रही है ये सर। कोई गौरी नहीं कर रहा बन के चलेगी। हाँ। जान लीजिए कि हमारे जितना भी हमारे क्षेत्र के आदमी हैं, हम लोगों के लिए बहुत मतलब एक सुविधाजनक हेल्प हो जाएगा। तो चलिए, अगर डीआरएम के पास अगर वीडियो पहुंच रही है तो भाई, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश की जाए ताकि लोगों की सुविधा और भी आसानी हो मिले। तो बस यही छोटी सी वीडियो हमको बनानी थी और दिखानी थी, और ये अपने छोटे पूरे गांव की मस्जिद है, देखिए काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। तो चलिए थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग बना ही लेते हैं, घूमते हैं। तो इनके पास में देखिए, यहाँ पर जीएसबी भी मौजूद है, तो मतलब जिनको काम धंधा कराना रहता है ना, तो यहाँ से मतलब ये देखिए संपर्क कर सकते हैं, और हमेशा ये तैयार रहती है। तो काफ़ी दूर दूर लोग जो है कि जीएसबी को लेकर जाते हैं, और मालिक यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए थोड़ा गाड़ी की साफ सफाई सर्विसिंग मतलब अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो जीएसबी कैसे मतलब जाती है, कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर कोई अगर आपसे काम करवाना चाहेगा तो? आई अभी तो सीजन ऑफ चल रहा है। हाँ, मतलब सीजन की कोई गारंटी नहीं, वो तो कभी भी काम आ सकता है। छह महीना काम और 6 महीने बैठती है। अच्छा, अगर संपर्क करना चाहेगा कोई तो कैसे करेगा आपसे? तो नंबर बताइए मोबाइल में। अच्छा, बोल दीजिए एक बार। 9838481150। तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ। और छोटा बड़ा कोई सा भी अगर इस लायक, अगर जीएसबी के लायक काम होगा तो संपर्क कर लीजिएगा जरूर से। और ये हमारे अहमदपुर रसना के छोटा सा पूरा गांव में ये आपको यहाँ पर मिल जाए, और भी टाली ट्रैक्टर का भी व्यवस्था है यहाँ पर, खड़ी रहती है हमेशा। तो चलिए, बस यही छोटी सी वीडियो हम बता रहे थे, आगे चलेंगे अपने गाँव में भी दिखाएंगे थोड़ा सा। तो भाइयों, ये अपने गाँव में देखिए एक टंकी बन रही है, तो चलेंगे हम लोग इसी के ऊपर आज, चलकर देखेंगे, और काम भी लोग कर रहे हैं, तो पता करेंगे कितना दिन में ये अभी टंकी बनने वाली है। चलो चलते हैं, देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा दिनों से बन रहा है। कितना दिन लगी भैया अभी? हाँ, एक महीना और लगी, तो ऊपर हमन के जा सकेंगे जी कि ना? कहाँ है? तो भैया बोल रहे कि माना है, ऊपर नहीं जा सकते हैं।
तो भैया ये बोल रहे हैं कि ऊपर के साइड में नहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और बोल रहे हैं कि एक महीना भी लगेगा इसको कंप्लीट होने में, तो नहीं जा सकते हैं ना? नहीं नहीं जा सकते हैं। तो चलिए इस पर कोई जाने की ज़रूरत भी नहीं है, और फिलहाल काम चल रहा है अभी, देखिए। और ये हम लोग का प्यारा सा गाँव है, ये देखिए। और आइए चलकर दिखाते हैं अपने कब्रिस्तान का जो चक्रोट है वो दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। ये देखिए ये कब्रिस्तान का आगे के साइड में जो बगीचा दिख रहा है ये कब्रिस्तान है। और ये देखिए ये रोड है, अगर कोई अगर इंतकाल कर जाता है तो चार लोग किस तरह से जनाजा इस रोड से लेकर जाएंगे आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। और हमारा अहमदपुर रसना कितना पिछड़ा हुआ है आप लोग को पता ही होगा, और प्रधान से बोला भी गया था कि इसको फेंकवा दें तो इसको नहीं फेंकवाए वो, और बोल रहे थे कि फेंकवा देंगे और धान भी रुपाई हो गई नहीं फेंका पाया। अब इस बार ही देखते हैं कि धान कटने के बाद ये चक्रोट फेंकाता है कि नहीं फेंकाता है। तो काफ़ी दिक्कत होती है, इन पर लोगों को गौर करना चाहिए और प्रधान को भी गौर करना चाहिए कि इसको फेंकवा दें। तो कभी कोई दिक्कत होगी तो काफ़ी दिक्कत होगा, चार आदमी मिलकर जनाजे यहाँ से नहीं लेकर जा पाएंगे, तो इस बात पर गौर करना चाहिए और भी लोगों को। तो चलिए इसको हम पूरा कब्रिस्तान में पूरा भैंस बांध कर हगाते मुताते हैं लोग, तो इससे काफ़ी दिक्कत होता है। और ये गांव अपना, ये देखिए ये बिलाल मस्जिद है अपनी, ये बिलाल मस्जिद है, ये देखिए। और ये अपना गांव आ गया, साजिद भाई चलो गांव में घूमते हैं आज पूरा। और हमारे गांव की हालत क्या है वो देखिए, एक तो हमारे गांव में रोड भी नहीं अच्छा है, पूरे हर गांव से पिछड़ा अपना गांव है। ये देखिए एक भी यहाँ पर अच्छे तरीके का रोड आने जाने के लिए नहीं देखने के लिए मिलेगा, बाकी गांव से एकदम अलग है। ये देखिए बहुत पिछड़ा है, और ये मस्जिद है मदीना। आकिब भाई सलाम अलैकुम, ये आकिब भाई यहाँ पर देखिए निकल कर आ रहे हैं, और आज हमने बताया था कि पूरा गांव की वीडियो थोड़ा सा दिखाएंगे, छोटा सा क्लिप। आकिब भाई कैसे हैं आप? ठीक है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बहुत दिखाया दो। और ये पोखरा झजगुआ है अपना, ये देखो। तो चलते हैं भैया इस तरह से पूरा गाँव दिखाते हुए, तो चलते हैं सीधा रोड पर, ये देखिए। हाँ ठीक है, तो ये अपना छोटा सा गांव है, ये देखिए। चलते हैं सीधा सड़क पे, और इसी तरह से गांव में आज घूमेंगे, और सलाम अलैकुम। बस यही गांव का नज़ारा है, देखिए। और यहां से ये देखिए, और उसके बाद अभी पूरा सड़क पे देखा जाए
तो कोई भी नहीं है सड़क पे, पूरा दुकानें बंद हैं सब अपने गांव की। हमारे गांव में शनिवार बंदी रहती है और शनिवार के दिन पूरा बहुत बड़ा चट्टी है तो बंदी रहती है। ये देखिए पूरा दुकानें बंद हैं अभी फिलहाल, जो भी दो चार दस दुकानें हैं। और ये अपने गांव की जामा मस्जिद भी है। तो चलते हैं घूमते घूमते गांव के अंदर में चलेंगे। और गांव में कुछ ऐसा खास तो है नहीं। और ये अपना लड्डन भाई की दुकान। ठीक है, और इसी तरह से घूमेंगे बस। हम लोग के गांव में एकदम खराब रास्ता है, ये देखिए एकदम खराब है। कहीं से भी गुजरेंगे ना तो आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा। और ये पोखरी तालाब है अपने गांव के। और ये झजौगा, हाँ, और ये भी मिल गया है। और झजौगा है, देखिए ये झजौगा पोखरी है और ये दूसरी पोखरी है।